नमस्कार बच्चों, आज की क्लास को मैं शुरुआत करती हूँ। अब अगले क्लास में, लास्ट क्लास में हमें प्रतीकों की कुछ भावों को मैं प्रस्तुति किए थे। आज अब तक की कहानी का है तो श्रीधर और सुशीला दोनों के बारे में बातचीत हो रहे हैं। कौन सी बातचीत? अपनी भेटे भार भी घर नहीं आया था, क्योंकि उसका कारण क्या है, एक दिन उन्होंने एक गोष्ठी में अपने पिताजी ने उसे बहुत से बहुत इंसल्ट किया था और पूरे के कवियों के सामने उनको बेइज्जत से उन्होंने बात किए थे, इसीलिए उन्होंने क्रोध से घर नहीं आया था। इसी के सोच में अपने भेटे नहीं आया, इसी के सोच में सुशीला ने अपने पति से वादा करती है, मेरे बेटे तो अभी तक नहीं आया है। इसमें ही एक विदुषी ने घर पर आकर वो भारती के बारे में पूछता है, भारती कवि के बारे में पूछता है, लेकिन अभी तक कवि नहीं आए थे। सुशीला और श्रीधर दोनों ने भारती के साथ बातचीत करते हैं। भारती कहते हैं, मालिनी तट के नदी किनारे पर आज सुबह मैंने उसको देखा था, भारवी को, अभी तक घर नहीं आए। उनके मुंह पर बहुत उदास थे वो कहकर अपनी श्रीधर और सुशीला की अनुमति को भागकर भारती वहाँ से चले जाते हैं। सुशीला के मन में कई तरह के सोच में रहता है, मेरे बेटे तो आत्महत्या तो कर दिया, मेरे बेटे तो नदी में कूद पड़ा और मेरे बेटे तो ससुराल कर चले गया, ऐसे अनेक तरह में सोचती है। और आगे की कहानी पेज नंबर 170 में देखिए, कुछ देर तक स्तब्धता रहता है। पेज नंबर 170 से आधा से कहानी को देख लीजिए बच्चों। और अब तक कि उन्होंने इंतजार में थे, कौन? अपनी माता सुशीला जी और श्रीधर दोनों भारवी के आने के इंतजार में थे। और आगे की कहानी ऐसा है, इस कहानी का, इस एकांकी का नाम क्या है बच्चों? प्रतिशोध है। पेज नंबर 170 में देखिए, बीच में तुम्हें कुछ देर तक स्तब्धता को कॉलम दिए गए हैं, वहां से मैं शुरुआत करती हूँ। सुशीला, कुछ क्षण बाद मुझे नींद आ रही है। सुशीला ने कहते हैं, अपने पति के साथ, श्रीधर के साथ मुझे नींद आ रही है। मन ना जाने क्या क्या सोचता है। सुशीला कहते हैं, अपने पति के साथ मेरे मन तो मुझे ना पता है वो क्या क्या जानता है, क्या क्या सोचता है मेरे लाडले बच्चे के लिए, ऐसे अपने पति से कह रही है श्रीधर से। कौन? सुशीला। तब श्रीधर कहता है, अपना मन स्थिर रखो, तुम्हारा मन को तुम्हें शांति से रखो, तुम्हें चिंता मत करो, कुछ शांति, कुछ तुम्हारा मन तो तुम्हें कंट्रोल में लेनी चाहिए, तुम्हारे बेटे के तरफ में सोच से कुछ तुम्हें शांति तो दियो, तुम्हारे मन को कुछ तो ऊपर देखो, तुम्हारे ऊपर आसमान को देखो और आकाश में कितने तारे हैं, एक बार तुम्हें आकाश के ऊपर देखो, आकाश में कितने अच्छे तारे रहते हैं, ये एक दूसरे से कितनी दूर है। वो श्रीधर बताता है अपनी पत्नी को, आसमान में, आकाश में बहुत से बहुत तारे रहते हैं, वो तारे एक तारे से और एक तारे के बीच में कितने अंतर रहता है, किंतु इनमें से कोई चिंतित नहीं है। वो कहता है श्रीधर, देखो वो नक्षत्र है ना, वो कितने नक्षत्र में कितने तो कितना दूर है, तो भी वो ऐसा तुम्हारे तरह चिंता नहीं रहता है और सभी समान रूप में चमक रहे हैं और आसमान में रहने वाले तारे समान रूप में एक चमक रहे हैं, चमक को हम हमारे धरती को दे रहे हैं, इसको तुम्हें जरूर देख लो, ऐसा श्रीधर अपने पति सुशीला से कहता है। और सुशीला यह सुनकर कहती है, इन तारों में कोई माता ना होगी, वो कहती है अपने पति के साथ, ये पूरे के पूरे तारों का झुंडा है, वो तारों का झुंडा में किसी एक माता का तारा है, ऐसा पूछती है। श्रीधर समझाता है, अपने मन को, तुम्हारे मन, अपने मन कहे तो अपने मन
को तुम्हें मुक्ति करो, सुशीला ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखो, इसके बदले में तुम तुम्हारा मन को ईश्वर के शक्ति में विश्वास रखो, हमारे भगवान की शक्ति पर हमें विश्वास रखना चाहिए। बीज से फूल कितनी दूर रहता है, एक बीज तो हमें बोए तो बीज से एक पौधा प्लांट फ्लावर को फूल कितना दूर होता है, बीज से फूल कितना दूर तो रहता है पौधे में, लेकिन किंतु बीज कभी मलिन नहीं होता है, लेकिन बीज बीज की तरफ ही रहता है, वो कभी भी मलिन नहीं हुआ है। वह फूल को प्रफुल्लित रखने के लिए निरंतर रस भेजा ही करता है। एक बीज क्या करता है, बीज से पौधा बनकर पौधे से वो रस को कहाँ तक पहुँचाता है, एक फूल तक। फूल कैसे रहता है, प्रफुल्लित रहता है, प्रफुल्लित का मतलब है वो एक फूल खिलाकर हम सभी को आकर्षण करने के लिए वो शक्ति को एक बीज फूल तक रवाना करता है, किसी एक रस को। ऐसा ही एक बीज तो अपने फूल के खिलने के लिए आकर्षण करने के लिए कैसे एक रस को बीज से फूल तक रवाना करता है, ऐसा ही मैं हूँ। अब तुम भी मंगल कामना करो, तुम्हारे मन में तुम अच्छे तरह से सोचो, उसकी भलाई के बारे में सोचो, मंगल कामना भलाई के बारे में सोचो। यहाँ भी तुम्हारा पुत्र हो, तुम्हारा पुत्र जहाँ भी रहे, अब तो हमारे घर में हमारे सामने तो नहीं है, लेकिन वो कहाँ तभी रहे तो हमारे के हमसे भी दूर कहाँ तभी रहे तो सुखी रहे। वो कैसे रहना है, हमारी आशीर्वाद से उन्होंने सुखी रहना चाहिए और प्रफुल्लित रहे और फूल की तरह खिलकर रहनी चाहिए। कौन मेरा बेटा भारवी, ऐसे श्रीधर ने अपनी पत्नी से समझाता है, तुम्हें चिंता मत करनी चाहिए, हमारा बेटा कहाँ रहे तो वह सुखी रहे और फूल जैसे खिलता भी रहे। एक फूल खिलने के लिए बीज अपने से फूल तक कैसे एक रस को भेजा करता है, ऐसा ही हमारे माता पिता लोगों को आशीर्वाद का रस हमारा बेटा कहाँ रहे तो भी उन्होंने सुखी रहता है और फूल जैसा उनका मन भी खिला रहता है। ऐसे दोनों भी ऐसा बातचीत कर रहे हैं और इसने भी सुशीला कहती है, मेरे पुत्र जहाँ भी हो सुखी रहे और प्रफुल्लित भी रहे। वो कहती है, मेरे तो विश्वास है मेरा पुत्र कहाँ भी रहे उन्होंने सुख से भी रहता है और फूल जैसा खिलकर भी रहता है। ऐसा सुशीला तो कहती है, श्रीधर हाँ तुम्हें ईश्वर की शक्ति कण कण में वर्तमान है। हाँ हाँ, तुम्हारे ईश्वर की शक्ति में हमें हर वक्त वर्तमान कहें तो हर वक्त प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। वह सबका पोषण करता है, भगवान ईश्वर ने सभी को रक्षा भी करता है, सभी को पोषणा भी करता है, इसलिए हमें भगवान ईश्वर से हमें क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, उस पर विश्वास रखो। इसलिए श्रीधर अपनी पत्नी को समझाता है, हर क्षण में हर वक्त में भगवान ईश्वर रहता है, हमारे सृष्टि में ईश्वर रहता है, इसलिए पूरे के पूरे व्यक्तियों को पूरे के लिए लोगों को भगवान हमें रक्षणा देते हैं, इसलिए तुम्हें भगवान पर विश्वास को रखो। और चौंक कर यह और इतने में एक आवाज़ सुन पड़ता है, किसको का, सुशीला और श्रीधर को, एक कटका होता, कटका का मतलब छोटी सी एक शब्द सुनने आ रहा है, किसको, श्रीधर और सुशीला को। चौंक कर यह कटका कैसा, क्या मेरा बारवी आ गया, ये तो आवाज़ बाहर से आ रहा है लेकिन मेरा भारवी तो आ गया, कोई व्यक्ति आने का शब्द तो मुझे सुना रहा है, कोई एक आवाज़ तो सुना रहा है दरवाजे के बाहर, मुझे कोई एक आवाज़ एक शब्द तो सुना रहा है लेकिन मेरे भेटे भारवी आ गया, ऐसे सोचता है श्रीधर। अरे
यह तो हवा का झोंका है। श्रीधर समझाता है अपनी पत्नी को, अरे तू सुनो क्या हो, एक हवा के झोंका है बाहर, हवा की एक झोंका एक शब्द है जिससे द्वार पर शब्द हुआ है, इसलिए हमारे दरवाजे का एक शब्द भी निकला है बाहर, हवा की झोंकों के ये शब्द है। ये शब्द अपने दरवाजे पर आए हैं, इसलिए दरवाजे का शब्द ऐसा हो रहा है। और तुम व्यर्थ ही इतनी व्यग्र हो सुशीला, शांत रहो, तुम्हें ऐसा ही व्यग्र मत करनी चाहिए सुशीला, तुम्हें शांत हो, तुम्हारा मन जरा शांति में रखो। और सुशीला, मैं शांत हूँ, सुशीला कहती है मैं शांत हूँ शब्द से मुझे भ्रम हुआ, ऐसा शब्द को सुनकर मेरे मन में मेरे आत्मा में एक भ्रम हुआ कि मेरे कवि आ गया। वो कहती है वो हवा के झोंकों के शब्द से मैं भ्रम होकर, भ्रम से मेरा बेटा यहाँ आ गया है, ऐसा सोच में वो भी आते समय द्वार पर ही शब्द करता है, मेरा बेटे तो घर से बाहर गए, तो घर के आने से ऐसा शब्द ही होता है, इसलिए मेरा मन तो ऐसा भ्रम हो गया है स्वामी, ऐसी कहती है। और श्रीधर, तुम्हारा भार भी कल अवश्य आ जाएगा, वो वादा करता है अपनी पत्नी के साथ, तुम्हारा बेटा कहाँ तभी हो, वो कल हमारे घर आ जाएगा और तुम्हारे सामने रहेगा, तुम शांत हो, वो कहता है तुम्हें शांति से रखो। और देखो प्रकृति भी शांत है, देखो अब का समय हमारे बाहर का प्रकृति कितने तो कितना शांति है, लेकिन रात का समय वो 10 बजे और 11 बजे के बाद बाहर का एक वातावरण तो बहुत शांति से रहता है, इसीलिए श्रीधर ने अपनी पत्नी को समझाता है, एक वातावरण तो प्रकृति का वातावरण हर समय निशब्द से रहता है और शांति से रहता है, ये तो तुम्हें ऑब्जर्व करो, ये तो देखो प्रकृति ने कितने शांति से है। अब सुशीला, मैं शांत कैसे रहूं, चुप अवश्य हो जाऊंगी, किंतु वो कहती है मेरा मन तो ऐसा शांति नहीं रहा है, मेरा मन मैंने कैसे शांति को रखूं, चुप अवश्य हो जाऊंगी, तुम्हारे बात के बिना, तुम्हारे बात से मैं केवल चुप हो सकती हूँ, लेकिन मेरा मन तो चुप होने नहीं हो रहा है। और श्रीधर कहता है सुशीला मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हें देखकर, वो श्रीधर को अपनी पत्नी की हालत को देखकर उनका मन भी बहुत बहुत दुख पा रहा है, उसको कहता है तुम्हारा यह स्थिति को देखकर, सुशीला तुम्हारे ये स्थिति को देखकर मेरा मन तो बहुत दुख हो रहा है, यदि तुम इतनी अशांत हो, तुम्हारा यह मन की स्थिति तुम कितने अशांत हो गया है, और मैं तो अभी तुम्हारे पुत्र को खोजने के लिए जाता हूँ, तुम्हारा यह स्थिति को देखकर मुझे बहुत से बहुत करना आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारा स्थिति को देखकर अब ही मैं जाने को लिए तैयार हूँ, जाने खोजने के लिए मैं जाता हूँ। सुशीला, अंधकार में वह कहाँ मिलेगा, यह सुनकर इतने अंधकार है बाहर, ऐसे बाहर अंधकार में तुम्हें जाकर मेरे बेटे को कहाँ ढूंढ कर ले आते हो, और इतने अंधकार में तुम्हें मत जाना चाहिए, प्रातः काल जाइए, ये समय छोड़कर तुम्हें सुबह जाइए, प्रातः काल में तुम्हें जाकर बारहवीं को तुम्हें ढूंढ कर लाओ। और किंतु मेरी प्रार्थना है कि अब आप मेरे लाल की निंदा करना छोड़ दो, इस प्रार्थना भी करती है अपने किसकी पत्नी, सुशीला श्रीधर की पत्नी। मेरी तो एक छोटी सी विनती है, छोटी सी प्रार्थना है, मेरे लाल कहाँ तभी मिले, तो तुम्हें ढूंढ कर जाने के समय मेरे लाल मेरा भार भी तुम्हें मिले, तो उसे निंदा मत करनी चाहिए, भगवान के लिए उसको निंदा नहीं करनी चाहिए, वह पंडित है तुम्हारा बेटा,
एक पंडित है, इसीलिए उनको निंदा मत करनी चाहिए। वो कहाँ तभी मिले तो भी उसको ले आने के मार्ग को तुम्हें देखो, उसको निंदा नहीं देनी चाहिए। ये एक महान पंडित भी है, बुद्धिमान भी है, मेरे भाई बेटा बहुत से बहुत बुद्धिमान भी है, बहुत से बहुत महान पंडित भी है। और अब से ऐसा ना करे, तुम्हें अब से आज से इसके साथ ऐसा निंदा करने का व्यवहार तुम्हें मत करनी चाहिए। ऐसा तो विनती कर रही है कौन, सुशीला अपने पति से। तुम्हें कहाँ तभी ढूंढो, अब ये अंधकार में मत जानी है। और तुम्हें मिलने के बाद उसको निंदा ना करना चाहिए। और वो बहुत बुद्धिमान भी है और बहुत महान पंडित भी है, इसीलिए तुम्हें उसको निंदा करनी छोड़ दीजिए। और श्रीधर कहता है, सुशीला मैं आज तुम्हें एक बात बतलाऊं। वो कहता है, मैं तो एक बात को तुम्हें समझाना चाहता हूँ सुशीला, एक बात तो तुम्हारे साथ मैं कहूँ। कहता है, भारवी आज संसार का श्रेष्ठ महाकवि है, मेरा बेटा मेरा भारवी ने इस संसार में इस जगत में एक महान कवि है। कौन? मेरा बेटा एक महान कवि है, और दूर दूर से दूर दूर के देशों में उसकी समानता करने का किसी में साहस नहीं है। तुम्हारे बेटे के बुद्धिमान बुद्धि शक्ति के सामने और अन्य दूसरे देशों में भी उनके सामने कॉम्पिटिशन करने के लिए वो किसी ना किसी साहस नहीं है, किसको भी इतना हिम्मत तो नहीं है। तुम्हारे बेटे के सामने कॉम्पिटिशन में वो पार्टिसिपेट करने को इतना तो इतना हिम्मत नहीं है, किसको? दूर दूर देशों के पंडितों को। वह शास्त्रास्त्र में बड़े से बड़े पंडितों को पराजित कर चुका है। उन्होंने उनकी बुद्धि शक्ति से उनकी पांडित्य से अनेक अनेक महापंडितों को उन्होंने पराजित कर लिया है। कौन? भारवी। ये सभी श्रीधर अपनी पति को समझा रहा है। और उसका पंडित उसका पांडित्य देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है। मेरे बेटे के एक पांडित्य को उसका एक कैपेसिटी को देखकर मुझे बहुत से बहुत खुशी हो रहा है, प्रसन्नता होती है। इसका मतलब बहुत से बहुत मेरे मन में खुशी हुआ है। लेकिन किंतु भारवी के मन में धीरे धीरे अहंकार स्थान पाता जा रहा है। लेकिन इसी के साथ पांडित्य के साथ उसकी बुद्धि शक्ति के साथ वो भारवी के मन में धीरे धीरे अहंकार तो बढ़ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि भारवी और भी अधिक पांडित्य और महाकवि बने। वो चाहता है, कौन चाहता है? श्रीधर, मेरे बेटे तो अभी आगे बढ़े, इस संसार में बहुत महान कवि बने, पर अहंकार उन्नति में बाधक है। इसका एक बुद्धि शक्ति के साथ में ही अहंकार शब्द का एक उसके प्रवेश हो गया है उसके जीवन में, इसके जीवन में, भारवी के जीवन में उसकी बुद्धि शक्ति के साथ अहंकार का एक छोटा सा एक बुद्धि भी उसके सामने जुड़ा हुआ है। और मैं उस अहंकार पर अंकुश रखना चाहता हूँ, मेरे बेटे के लिए एक इम्प्रूवमेंट होने के लिए उसी के साथ अहंकार उसको रोक रहा है। उस अहंकार को मैं रोकना चाहता हूँ, इसे एक बंद करना चाहता हूँ। जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो जाता है वह अधिक उन्नति नहीं कर सकता है। किसके पांडित्य की ओर किसके बुद्धि शक्ति के साथ अहंकार बैठ जाता है वो कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। किसका लोग भी कितने कैसे लोग भी उसके मन में अहंकार का एक पांडित्य का अभिमान हो जाए तो वह अधिक उन्नति नहीं कर सकता है। यही कारण है कि समय समय पर उसे मूर्ख और अज्ञानी कहता हूँ। इसी एक विषय से, इसी एक कारण से, कौन से कारण? यह अहंकार उनके मन से दूर होने के लिए मैं कई बार अनेक अनेक बार मूर्ख अज्ञानी ऐसा शब्दों को मैंने उस पर बात किए हैं। यही कारण है कि समय समय पर उसे मूर्ख और अज्ञानी कहता हूँ। ये एक विषय के लिए, इसे अहंकार दूर कराने के लिए मैंने मेरे पुत्र को अज्ञानी और मूर्ख कह रहा हूँ। प्रशंसा तो सभी करते हैं, लेकिन एक आदमी को एक इंसान को प्रशंसा कहे तो कभी भी कर सकता है, किसी ने भी
कर सकता है, किंतु अधिकारी से निंदा भी होनी चाहिए। ऐसा इसी के साथ निंदा भी रहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए। वो चाहता है मेरी की तरफ से, उसकी तरफ से, उस उन्नति के तरफ से मैं ऐसा अहंकार का शब्द से वो इसका उन्नति रुक जाता है, इसका इम्प्रूवमेंट होना रुक जाता है। इसलिए मैं इससे मैं क्रोध करता हूँ, किससे? मेरे बेटा भार्मी को, यह अहंकार के तरफ से उनका उन्नति रुक जाने को मैं क्रोध करता हूँ। इसीलिए उसके जानने के लिए, उसको सिखाने के लिए मैं ऐसा मूर्ख, ऐसा अज्ञानी शब्दों को मैंने इसके साथ बात कर रहा हूँ। ऐसा तो श्रीधर अपनी पत्नी के साथ करता है। श्रीधर ने अपने पुत्र के भारे में रखा हुआ एक प्यार को अपनी पत्नी से कहता है। क्या कहता है? मेरे बेटे को उन्नति को मैं देखना चाहता हूँ। इसी के पांडित्य के साथ उनका मन तो अहंकार का एक ओर चला जाता है, इसीलिए वो अहंकार को मिटने के लिए, मिटाने के लिए मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार किया हूँ। और सुशीला विचला होकर, क्या कहा आपने, या कहते हैं तुमने क्या कहा? और श्रीधर, मैं नहीं चाहता अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति थक जाए। वो अभी एक बार कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बेटे के अवनति को, मैं नहीं चाहता हूँ इसके उन्नति के बारे में मैं सोचता हूँ। सुशीला, तो जो आप मेरे लाल पर क्रोध प्रकट करते हैं वह सच्चा नहीं है? हर एक विषयों में भी तुम्हें मेरे बेटे के साथ ऐसा क्रोध से प्रकट करते हो, ऐसे गुस्से से बातें करते हो, कैसे एक छोटा छोटा विषय को तुम भी हनिक जाते हो, ये तो सच नहीं है। ये पूरे तुमने मेरे बेटे के साथ करते हैं ना, वो व्यवहार पूरे सच नहीं है। श्रीधर कहता है, अणुमात्र भी नहीं, एक अणुमात्र भी उसके साथ में ऐसे दुर्व्यवहार नहीं करता। इस क्रोध में पुत्र के प्रति मंगल कामना छिपी है, मेरे एक क्रोध में उसका एक आगे मंगल की कामना एक छुपी रहता है। मेरे पुत्र और भी विद्वान हो और भी यशस्वी बने, वो चाहता है मन ही मन में मेरे बेटे अभी आगे जाए, अभी तो उन्नति पाओ और अभी यशस्वी को पाने के एक उद्देश्य से मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार करता हूँ। सुशीला कहते हैं, वो आप कितने महान हैं। ये बातों को सुनकर सुशीला जी ने कहती है, तुमने कितने तो कितने महान हैं, मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ गलत ही सोचा है, लेकिन तुम्हारे मन में तुम्हारे बेटे के बारे में कितने तो कितना अच्छे है, ऐसे समझ कर दोनों में भी बातें कर रहा है। कौन कौन? सुशीला और श्रीधर। ऐसा ही बातचीत करके उन्होंने अपने बेटे के तरफ से ही बात कर रहे हैं। और चल, इसी के साथ हमें लास्ट क्लास में 1 से 14 तक क्वेश्चन आंसर्स को हमें देखे थे, आज 15 से कुछ क्वेश्चन देने चाहती हूँ। बच्चों, 15th क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 177 देखिए। 1 से 14 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दिया हूँ, एक वन वर्ड का आंसर्स। और 15th क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन कौन सी है बच्चों? अनुशासन की मर्यादा पर क्या किया जा सकता है? एक अनुशासन की मर्यादा को हमें करने समय करने के लिए क्या करना चाहिए? बड़ों से बड़ों व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। 15th का आंसर है, बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान पुत्र क्या नहीं हो सकता? कहता है, इतना
नहीं हो सकता। 16 का आंसर इतना पतित नहीं हो सकता है। और 17th वन क्वेश्चन देखिए, श्रीधर पंडित के घर की सेविका का नाम क्या है? श्रीधर की घर की पंडिता की सेविका का नाम आभा है। और 18th वन देखिए बच्चों, सुशीला किसको खोज कर लाने के लिए आभा से कहती है? सुशीला किसको अपने किसको खोज कर लाने के लिए आभा से कहती है? अपने पुत्र भारवी को। 18th का है। अपने पुत्र भारवी को ले आने के लिए आभा से कहती है। और 19th का क्वेश्चन देखिए, प्रेम का बिना किसका मूल्य नहीं है? अनुशासन का मूल्य नहीं है। 19th वन अनुशासन की मूल्य। अनुशासन की मूल्य नहीं रहता है। और श्रीधर पंडित भारवी को खोजने के लिए किसका सहारा लेना चाहते थे? राजकीय का सहारा ले आता है। अनुशासन की मर्यादा पर क्या किया जा सकता है? अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। अब 17th क्वेश्चन देखिए, 16th, श्रीधर पंडित का पुत्र क्या नहीं हो सकता है? श्रीधर पंडित का पुत्र इतना पतित नहीं हो सकता है। और 17th क्वेश्चन देखिए, श्रीधर पंडित के घर की सेविका का नाम क्या है? श्रीधर पंडित की सेविका का नाम है आभा। और सुशीला किसको खोज कर लाने के लिए आभा से कहती है? सुशीला अपने पुत्र भारवी को खोज कर लाने के लिए कहता है। और प्रेम के बिना किसका मूल्य नहीं है? प्रेम का बिना अनुशासन का मूल्य नहीं है। और श्रीधर पंडित भारवी को खोजने के लिए किसका सहारा लेना चाहते थे? श्रीधर पंडित भारवी को खोजने के लिए राजकीय का सहारा लेना चाहता है। ये सभी क्वेश्चन आंसर्स को तुम्हें क्लास वर्क को मेंटेन करनी चाहिए बच्चों। और ब्रीफ आंसर्स मैंने पीडीएफ में भेजे जाते हूँ। और ये वन वर्ड का आंसर्स तुम्हें, वन वर्ड का आंसर्स को एक क्लास वर्क मेंटेन कर ले, पूरे के पूरे ग्रामर का टॉपिक्स और व्याकरण भावों को भी तुम्हें एक साथ लिखनी चाहिए बच्चों। आज की क्लास मैं समाप्त करती हूँ बच्चों। अगले क्लास में हमें ये प्रतिशोध के आगे भाग को मैं प्रस्तुत करती हूँ बच्चों। अब तक की क्लास समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।